पिछले कुछ सीरीज के रिकॉर्ड्स को उठाकर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय टीम में अमूमन सभी प्लेयर्स कप्तान हैं। वो आईपीएल टीम के हो सकते हैं या किसी घरेलू मैच के। लगातार एक के बाद एक प्लेयर्स को आजमाते हुए अभी तक बीसीसीआई एक नतीजे पे पहुंचती नहीं दिख रही है। जैसे ही किसी नए सीरीज का अनाउंसमेंट होता है तो उसके साथ साथ हम किसी नए कप्तान को देखते हैं। कप्तानों से भरी हुई टीम के होते हुए भी बीसीसीआई के लिए चैलेंज बना हुआ है कि इंटरनेशनल टीम का स्टेबल कप्तान कौन होगा। आज इन्हीं सब रिपोर्ट्स के साथ मैं सौरभ सिंह क्रिकेट इन्फॉर्मर के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। 2022 में एक दिवसीय मैच के लिए तीन कप्तान चुने गए, केएल राहुल, रोहित शर्मा, शिखर धवन। केएल राहुल की कप्तानी में टीम ने 7 मैच खेले जिसमें 4 जीते, 3 में टीम को हार का सामना करना पड़ा। रोहित शर्मा की कप्तानी की बात करें तो उनकी कप्तानी में 8 मैच खेले गए जिसमें 5 जीते और 3 में टीम को हार का सामना करना पड़ा। वहीं शिखर धवन की कप्तानी में भारतीय टीम ने 9 मैच खेले जिसमें 5 जीते, 2 में हार और 2 बेनतीजन रहा। अब बात करते हैं 2022 में भारतीय T20 टीम की कप्तानी की। 2022 में हमें 4 T20 कप्तान देखने को मिले, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल। रिकॉर्ड्स की बात करें तो रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने 29 मैच खेली जिसमें 21 में जीत और 8 में टीम को हार का सामना करना पड़ा। वहीं ऋषभ पंत की कप्तानी में 5 मैच खेले गए जिसमें 2 में जीते, 2 में हार, 1 बेनतीजन रहा। अब बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या की कप्तानी की तो उनकी कप्तानी में टीम ने 5 मैच खेले जिसमें 4 जीते, 1 टाई रहा। अब बारी आती है केएल राहुल की। तो केएल राहुल की कप्तानी में टीम ने 1 मैच खेले जिसमें भारतीय टीम ने जीत दर्ज की। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तानों की बात करें तो हमें फिर से कुछ चौंकाने वाले चेहरे नजर आए। 2022 में भारतीय टेस्ट टीम में 4 कप्तान देखे, विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली की अगुवाई में खेली गई सीरीज की जो कि 3 मैचों की थी जिसमें टीम को 1 में जीत, 2 में हार का सामना करना पड़ा। बताते चले, विराट कोहली लंबे समय से टीम इंडिया की अगुवाई कर रहे थे जो कि साउथ अफ्रीका सीरीज हारने के बाद हटा दिए गए थे। वहीं केएल राहुल की कप्तानी में 3 मैच खेले गए जिसमें टीम को 2 में जीत और 1 हार का सामना करना पड़ा। और रोहित शर्मा की कप्तानी की बात करें तो उनकी कप्तानी में 2 मैच खेले गए जिसमें भारतीय टीम ने दोनों में जीत दर्ज की। इसके बाद हमें फिर से कप्तानी में नया चेहरा देखने को मिला जिसका नाम था जसप्रीत बुमराह। बुमराह की कप्तानी में भारतीय टीम ने 1 मैच खेला जिसमें उसको हार का सामना करना पड़ा। तो ये थे पिछले कुछ रिकॉर्ड्स। अब हम बात करते हैं आने वाले श्रीलंका मैच सीरीज की। श्रीलंका के साथ 3 ODI और 3 T20 मैच सीरीज खेली जाएगी। जैसा कि हमने अनुमान लगाया था कि हमें फिर से एक नया कप्तान देखने को मिलेगा, लगभग वैसा ही हुआ। इन दो आने वाले सीरीज में T20 की कप्तानी हार्दिक पांड्या तो वहीं ODI की कप्तानी एक बार फिर रोहित शर्मा करते दिखेंगे। बहरहाल अब ये तो वक्त ही बताएगा कि हमें कप्तानों से भरी हुई टीम में स्टेबल कप्तान कब मिलेगा।